अजमेर के विजयनगर के पास गुरुवार सुबह 9 बजे भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार में पति पत्नी बेटा और ड्राइवर सवार थे। ये सभी जयपुर से भीलवाड़ा लौट रहे थे। हादसे के बाद जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम पहुंची और सड़क से वाहनों को हटाकर ट्रैफिक चालू कराया। परिवार के साथ यार्न कारोबारी हिमाचल घूमने गया था। विजयनगर थाने के एएसआई शिवचरण सिंह ने बताया कि आजाद नगर भीलवाड़ा निवासी अंकित अग्रवाल उम्र 39 वर्ष, पत्नी राखी अग्रवाल 36 वर्ष, पुत्र प्रथम अग्रवाल 12 वर्ष और ड्राइवर कयूम 22 वर्ष के साथ सुबह करीब 9 बजे जयपुर से आ रहे थे। अंकित के एक बेटा ही था। इस दर्दनाक हादसे में उनका पूरा परिवार ही उचड़ गया। अब उनके घर में पिता मधुसूदन, माँ चंदा और छोटा अर्पित है। शहर के निकट चारभुजा होटल के पास सियाज कार सड़क पर खड़े ट्रक में घुस गई। इस टक्कर में कार की छत अलग हो गई। इसमें पति पत्नी व चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे को गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। अंकित का धागे का कारोबार था। पुलिस ने शवों को विजयनगर के अस्पताल की मोर्चुरी में रखवाया है। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है। परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किए गए हैं। उनका ड्राइवर भीलवाड़ा के हमीरगढ़ का रहने वाला था। हादसे के बाद तीनों के शव कार में फंस गए। पुलिस ने बड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला। इस दौरान काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एएसआई शिवचरण सिंह ने बताया कि ट्रक रोड से बिल्कुल नीचे खड़ा था, लेकिन कार पीछे से आकर ट्रक में घुस गई। ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई होगी। वहीं कार बेकाबू होकर जा घुसी। हादसे के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। तीनों की बॉडी भी फंस गई है। राहगीर व पुलिस ने कार की बॉडी को तोड़कर मृतकों के शव निकाले। विजयनगर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि सुबह 9:15 बजे सूचना मिली कि एक कार ट्रक में घुस गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पता चला कि तीन की मौके पर ही मौत हो गई है। एक बच्चा जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, उसने दम तोड़ दिया।